खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। गुना मोबाइल खोने की घटनाओं के आवेदन आने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ऐसे 20 मोबाइल खोजने में सफलता हासिल की और उनको उनके मालिकों को वापस लौटाया है। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने प्रेस वार्ता में बताया कि गुना व आसपास की जगह पर जिन लोगों के मोबाइल गुम हो जाते हैं, जो आवेदन देकर खोजने में मदद की बात करते हैं, उनके लिए एक विशेष टीम का गठन कर खोए हुए मोबाइल खोजने की जिम्मेदारी सौंपी गई। कुछ ही समय पश्चात 20 मोबाइल खोज निकाले और उनके फरियादियों को बुलाकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सौंप दिए गए। लगातार इस तरीके के बीच बीच में आवेदन आते रहते हैं कि मेरा मोबाइल खो गया या रास्ते में गिर गया, जिसमें कोई ऐसा विधिक प्रावधान नहीं है कि उसमें एक शिकायती आवेदन पत्र वो दे देते हैं। कभी कभी उसमें मुकदमा कायम नहीं होता क्योंकि उसमें कोई भी क्राइम एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। तो अभी हम लोगों ने एक्चुअली इसके ऊपर एक नया सिस्टम स्टार्ट करवाया है कि हमारे एक साइबर सेल में एक खोया पाया केंद्र टाइप का हम लोग स्टार्ट करवा रहे हैं, जिसके अंदर अगर किसी का भी मोबाइल कहीं पर गिर जाता है, कभी कहीं खो जाता है, गलतीवश भूलवश कहीं पर रह जाता है और वो उसको नहीं मिलता है, तो उसकी कंप्लेंट जो है वो अपने नज़दीकी थाने में कर दे या इवन वो एसपी ऑफिस में, यहाँ पे एसपी ऑफिस में आके साइबर सेल के लिए भी आवेदन दे सकता है। वो सारे आवेदन जो है वो हम लोग अपने एक प्रॉपर कॉग्निजेंस में ले लेंगे और वो मोबाइल भी हम लोग उनको ट्रेस करके देंगे। जैसे उनका अगर मोबाइल चालू होता है तो वो हम लोग ट्रेस करके और वो मोबाइल उनको अवेलेबल करवा के देंगे। आज हम लोगों ने इसमें ये किया था कि पिछले 3-4 महीने का हम लोगों ने डेटा निकाला था, उसमें जहाँ जहाँ पे जो जो मोबाइल चल रहे थे उनको हम लोगों ने पिछले 2-3 दिन में ट्रेस करवाए। कुल मिला के 20 मोबाइल जो है वो हमारे ट्रेस हो गए हैं, जो हम लोगों ने अभी प्राप्त कर लिए है, और वो सभी मोबाइल जो है वो हम लोगों ने उनके फरियादियों को बुला के और उनको हैंडओवर भी करवा रहे हैं। खबर समय जगत के लिए गुना से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।